हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल कुकिंग विदुषा में आप सबका स्वागत है। आज हमने ये गेहूं के आटे और चावल से मिलाकर ब्रेकफास्ट बनाया है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बना है। अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और ऊपर से क्रंची है। आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। ये मैंने जो बनाए हैं, कितने सॉफ्ट है, अंदर से कितने फ्लफी है और ऊपर से क्रंचीनेस लिए हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे बने हैं। आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए। आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ कि मैंने इसको कैसे बनाया है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कुकिंग विदुषा को और बेल आइकन को दबाइए मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। ब्रेकफास्ट की रेसिपी के लिए हमने ये एक कप चावल का आटा लिया है। ये आप बाजार से भी ले सकते हैं और घर में भी बना सकते हैं। चावल को आप धो करके ढंग से पोंछ करके हवा में सुखा दीजिए और उसके बाद उसे पीस लीजिए और देखिए इतना अच्छा पाउडर बन जाता है। इसमें आधा कप मैंने गेहूं का आटा लिया है, जिसे हम चपाती बनाते हैं। ये करीब एक कप दही है, इसको अच्छे से मिला देंगे। मैंने दही के कप में ही पानी डाल लिया है, क्योंकि चावल के आटे में पानी ज्यादा लगता है। करीब दो कप पानी लग जाएगा इसमें। मैंने इस रेसिपी को काफी टाइम बनाया है और ज्यादातर सॉल्यूशन से इससे नाश्ता बहुत अच्छा बन जाता है। देखिए दो कप पानी पड़ गया है, अभी भी हमारा बहुत गाढ़ा बैटर है। थोड़ा सा इसको ढंग से मैश कर देंगे, जिससे कि इसमें कोई भी आटे की गिल्टी ना रह जाए। दही डालने से ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफी बनते हैं। थोड़ा सा हमें गाढ़ा सा ही बैटर चाहिए। इसमें दो मीडियम साइज के उबले हुए आलू हैं, एक मीडियम साइज की प्याज है, दो छोटी शिमला मिर्च है, दो मीडियम साइज के टमाटर हैं, ये करीब एक कप बंद गोभी है, ये छोटे छोटे दो हरी मिर्च हैं। जो आपको अच्छी लगे वो सब्जियां आप डाल सकते हैं इसमें। हरा धनिया आज मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं हरा धनिया नहीं डाल रही हूँ। देखिए बहुत अच्छा बैटर तैयार हो गया है। इस बैटर में करीब ढाई कप पानी लग गया है और एक कप दही था। चावल के आटे से बैटर बनाते हैं उसमें अक्सर पानी ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि चावल का आटा बहुत ज्यादा पानी सोखता है। अब इसमें मैंने इसे ढाई कप पानी लिया है। ये हमारा बैटर रेडी है। करीब एक चम्मच नमक है, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर है, हाफ टी स्पून घर का बनाया हुआ चाट मसाला है, हाफ टी स्पून मैंने कलर के लिए हल्दी का प्रयोग किया है। आज हरा धनिया नहीं है तो मैंने सूखा धनिया पाउडर डाला है, जो कि घर का बनाया हुआ है। घर के पीसे धनिया में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब इसको अच्छे से हम मिला देंगे, क्योंकि अब इसमें हल्का सा खट्टापन भी है। नमक तो हमने डाल ही दिया है। ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, यानी जो मीठा सोडा होता है उसे खाने का सोडा भी बोलते हैं, ये हम डाल रहे हैं। इससे काफी फ्लफीनेस हो जाती है, बहुत अच्छी खुशबू निकल रही है इसमें से, क्योंकि जो हमने धनिया और चाट मसाला डाला है उसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ गया है। इसे थोड़ी देर हम चला देंगे, जिससे हम बेकिंग सोडा डाला है उसका रिएक्शन होने के लिए थोड़ी देर हम इसे चला देंगे। और अब हम अपनी रेसिपी तैयार करते हैं। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा बटर या तेल लगा लेंगे, जो भी आप खाते हैं। मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है, मिड फ्लेम चल रहा है। इसमें बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही ऊपर से क्रंची होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और फायदेमंद भी हैं, क्योंकि आटे के बने हुए हैं। मिड फ्लेम कर दिया है और इसको हम धीरे धीरे पकने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, इस तरह से कितने फूल गए हैं। ऊपर तक की बेकिंग सोडा डाला है, उससे हमारा ये रिएक्शन हुआ है कि हम आटा है और चावल दोनों कितने फ्लफी हो गए हैं, इससे पता चल रहा है। अभी हमारे ये कच्चे हैं, क्योंकि इसके ऊपर अभी थोड़ा सा गीलापन है। अब इसको हम चम्मच से पलट देंगे। देखिए जैसे ही ऊपर सूख जाए आप समझ जाइए कि हमारे एक तरफ से पक गए हैं। इसमें थोड़ा सा हम तेल या बटर डाल देंगे, जिससे वो नीचे अच्छे से सीख जाएंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे ढक देते हैं। लो मिड है फ्लेम, मिड करेंगे तो जल जाएंगे, लो मिड पे रखना है हमें। देखिए कितने अच्छे सिक गए हैं। ऊपर से कितने क्रंची हैं ये, और अंदर से दिखाती हूँ मैं भी। थोड़ा ठंडे हो जाएंगे तब थोड़ा सा तेल और लगा देते हैं, जिससे कि ये नीचे चिपके ना। हल्का हल्का सा एक एक दो दो बूंद डालना है बस। अब इसको हम ढक देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि हमारा ऑलरेडी ये पैन ज्यादा गर्म है इसलिए। अब देखिए कितने अच्छे बने हैं ये, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, क्रंची हैं। आपको आवाज आ रही होगी, तो क्रंची के साथ साथ बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, इसको देखिए हम पलटते हैं। थोड़ा सा ब्राउन कलर का सिक जाना चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, जिससे नीचे से क्रंची सिक जाए। बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये। अब इसको हम फिर 2 से 2.5 मिनट के बीच में रखेंगे। अब हमारे 2 मिनट हो गए हैं, कितने अच्छे सिक गए हैं। मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ कि ज्यादा जल जाएंगे। फिर
ये हमारे आपके बन गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। और ऊपर से कितने क्रंचीनेस है, देखिए जो हमने आटे और चावल के अपे बनाए थे कितना अच्छा बना, देखिए यहाँ से तो क्रंची है और ये हमारे अंदर से देखिए सॉफ्ट। जो हमने मसाले डाले हैं उसकी इतनी अच्छी फ्लेवर निकल रहा है। आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए, आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिले। आप मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, बाय।